दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। हे गाइज, वेलकम अगेन, एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है उसी को लेकर के। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है लोकसभा में। यहाँ पर जो कांग्रेस की जो MP हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे Web 3.0 को आने से पहले ही एक किल करने का प्रोसेस में लगी हुई है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट। साथ ही साथ वजीरएक्स के जो CEO हैं उन्होंने भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से स्लैम किया है कि किस तरीके से आप इसे ग्रे मार्केट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो 11 मिनट पहले जो ट्वीट किया है वजीरएक्स के CEO निश्चल जी ने, तो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली कहा है कि टुमोरो न्यू क्रिप्टो टैक्स कम इंटू इफेक्ट, यानी कि कल से जो नया क्रिप्टो टैक्स है वो इफेक्ट में आ जाएगा। और इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट को उसे एक बार फिर से रीथिंक करने की पॉलिसी पे रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे इसके, वहाँ पर ये है कि क्रिप्टो फ्लाइट टू फॉरेन एक्सचेंजेस। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो फॉरेन एक्सचेंजेस में ही जाकर के जो टोकेंस एंड कॉइन्स है वहाँ पर बाय एंड सेल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इंडियन के जो एक्सचेंजेस है जैसे कि वजीरएक्स या फिर CoinDCX Pro या फिर और भी जो सन क्रिप्टो एंड ऑल आपके जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो कोई गैम्बलिंग नहीं है गाइस। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि जब क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि होल्डर्स होते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं, बट यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग में आप जितनी बार आप ट्रांजेक्शन्स करोगे, जितनी बार आप विड्रॉल करोगे, वहाँ पर आपको विड्रॉल के टाइम में तो आपको फ्लैट 30% टैक्सेस तो देने ही पड़ेंगे, साथ में 1% TDS जो है वो एवरी बाय एंड सेल पे आपको देना पड़ेगा। सो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो ड्रॉबैक है इस टैक्स का। तो उसके बाद ट्रेड विदाउट KYC, आप देखोगे कि तो बहुत सारे जो बाहर के जो एक्सचेंजेस है, फॉरेन एक्सचेंजेस है, वहाँ पर बिना KYC के भी ट्रेड होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे कुछ हद तक ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क के बारे में, तो वहाँ आप सभी को पता है कि वहाँ पर कोई भी KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो प्रीफर करेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट KYC या फिर कोल्ड वॉलेट में जहाँ तक हो सके वो लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, या तो फिर बाहर के जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि जो ग्रे मार्केट है उसको यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आपको लार्ज टैक्स डिफॉल्टर्स जो होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि जो डिफॉल्टर्स है आपको इसलिए भी देखने को मिलेंगे क्योंकि जो टैक्सेस है वो, अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड ही नहीं करेंगे तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जो बहुत ज़्यादा मास नंबर पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो लोग तो यहाँ पे टैक्स भरेंगे ही नहीं। सो एक चीज़ ये भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें TDS के बारे में, तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो TDS रिफंड जो है वो क्लेम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर निश्चल शेट्टी जी ने जो बहुत सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर बताए वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स में से है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर सोचना चाहिए और कुछ इस पॉलिसीज़ में चेंजेस भी करना चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं उनके MP, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ एक बातें बोली, आप खुद ही यहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है। अगर रोकते नहीं है तो कहते हम घर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है उसके मंशा, क्या है इंटेंशन, क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी, क्या है इनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत, क्या है Web 3.0 क्या है। तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आप देखोगे तो प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जो पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट की आउट की है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हमारे साथ पहले भी
हो चुका है कि ज़बरदस्ती हमें कुछ चीज़ें जो है हमें हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई है। और शायद ये जो टैक्स है वो किसी ना किसी तरीके से ट्रेडर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स के ऊपर में कुछ ऐसा ही करने का प्लानिंग किया जा रहा है। कुछ अभी बहुत कम परसेंटेज जो लोग हैं वो क्रिप्टो में आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी क्रिप्टो के तरफ यहाँ पर आएंगे। और इस तरीके से आप कहोगे कि उनके आने से पहले ही चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड आप कर दें कि उनको यहाँ पर एंट्री मिले ही ना। तो चलिए अभी आगे इनका और कुछ लाइन है जो हम लोग सुन लेते हैं। सर मैं एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी, मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था देश में ही क्या दुनिया में, हर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिसरप्ट करेगी, पॉलिसीज को डिसरप्ट करेगी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए और इससे हम घबराए नहीं। आज जब इंटरनेट आया सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? प्लीज सर, आई विल जस्ट कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट बिट। सर, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0। Either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad. And we can conclude, sir, just one last second, sir. We can continue to take pride in the reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. So I would request the finance minister to think about it and thank you so much. सो गाइज ये वही बात बोल रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को एक बार फिर से वापस सोचने के बारे में और विचार करने के बारे में कह रही हैं कि किस तरीके से आप क्रिप्टो टैक्स को थोड़ा सा ईज़ कर सकते हैं ताकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और जो आने वाला जो फ्यूचर है हम उसके तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर के तरफ नहीं देख पाएंगे। और मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, जो वेब 3.0 वो है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जहाँ पर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसे बैन करने के प्लान में है, जो हमारे पड़ोसी है लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बैन हो गई है। तो जिसका फ़ायदा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नियर फ्यूचर ये जो क्रिप्टो में जो आप कहोगे कि जो ट्रेड होंगे और या तो फिर जो लिक्विडिटी वगैरह जितने भी सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगे, तो वो इंडिया में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप कहोगे कि ट्रेड किया जाएगा एंड यहाँ पर लोग प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो मुझे लगता है साथ ही साथ जैसे ही मेटावर्स एंड ऑल आएगा तो आपको बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा हब बन सकता है वेब 3.0 का। सो आपको क्या लगता है गाइस क्रिप्टो टैक्स के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।